गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस, चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम एंड टुडेज वी हैव डिस्कस अबाउट कोक, कोल गैस, कोल टार एंड एक्स्ट्रा। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोक आर फ्यूल, इट इज द हार्ड एंड पोर सब्सटेंस, यह मजबूत और छिद्रयुक्त होता है। इट इज मेनली यूज टू सेपरेट आयरन फ्रॉम आयरन ओर, आयरन से आयरन को निकालने के लिए आयरन ओर से इसका यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इसका उपयोग स्टील बनाने में भी होता है। इट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल स्मोक वाइल इट बर्न, जब इसको जलाते हैं तो इसमें बहुत कम धुआं निकलता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। कोल गैस फ्यूल है, इट इज एन इनफ्लेमेबल गैस एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीजल। इनफ्लेमेबल गैस है जो कि डीजल में कन्वर्ट हो सकती है। कोल टार, इट इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग रोड्स। इट इज ब्लैक आर ब्राउन विस्कस लिक्विड मिक्सचर इन नियरली 200 डिफरेंट सब्सटेंसेस। सम ऑफ द सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द टार आर यूज्ड टू मेकिंग डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक्स, परफ्यूम, एक्सप्लोसिव एंड नेफ्थलीन बॉल्स। Did you know more than 2000 chemical can be obtained by processing coal? Next topic, formation of crude oil, petroleum or natural gas. Millions of years ago, remains the plants, animals and microorganisms living in the seas, settled at the bottom and were buried under layer of sediment. For millions of years, these layers were subjected to heat and pressure that transformed the sediment into beds of rocks. The plant and animals material under water underwent स्लो केमिकल चेंजेस एंड फॉर्म ए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो बहुत समय से जो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है समुद्र के अंदर, वो क्या हो गए, दब गए, और दबने के बाद उसके ऊपर लाखों करोड़ों वर्षों में ढेर सारा प्रेशर एग्जर्ट हुआ, जिसके कारण केमिकली चेंज हुए वो, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में चेंज हो गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फाउंड टू बेड रॉक्स नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो है ऑयल और नेचुरल गैस कहाँ से मिलते हैं, जिस रॉक से मिलते हैं उसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। पेट्रोलियम्स वेल्स आर जनरली फाउंड अंडर द सी सरफेस बिलो ऑफ द लेयर ऑफ रॉक, ऑकेजनली देयर आर वेल्स ऑन लैंड मासेस। सीन द डायग्राम, 300 टू 400 मिलियंस ईयर्स एगो रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, 500 मिलियन ईयर्स एगो रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्रूड ऑयल डिपॉजिट, अराउंड 400 मिलियंस ईयर्स एगो डेड मैरीन ऑर्गेनिज्म फॉर्म टू लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द ओशन फ्लोर। With time, the thick layer of organic matter get covered with sand, silt and rocks. The pressure exerted by the earth's surface, the heat from below the surface of decomposing bacteria converted in the organic matter into crude oil and natural gas. Here, ocean floor, natural gas, rocks, petroleum and rock. Formation of petroleum and natural gas. Did you know
In 1867, crude oil was found in Mokom, Assam. Oil is also found in Gujarat, Mumbai Sea, and in the Godavari and Krishna River basins. Thank you, student.